है, ये हाफ का आपको निशान मुझे मिल रहा है, एक साइड को लेके हाफ तक टर्न करना है। तो हाफ तक जब हम इसको टर्न करेंगे तो हमारे पास एक कोन की शेप आएगी। जैसे मैंने ये देखो ये हाफ तक किया, ऐसे ही सेकेंड साइड को भी हाफ तक करना है। ये जब मैंने दोनों तरफ से इसको हाफ तक कर लिया तो एक कोन की शेप आ गई, आइसक्रीम कोन जैसा। तो जैसे उसमें हट बनना एक स्टेज थी, हमारा मिडवे था, ऐसे ही इसमें कोन बनना जरूरी है। जब कोन बन गया तो इसको ऐसे ऊपर की तरफ मैंने फोल्ड कर दिया, पैरेलल रहे बॉटम से, इस तरीके से इसको ऊपर की तरफ फोल्ड कर दिया तो एक बोट की शेप आ जाएगी। ये हमारी बोट बन गई। बनाना क्रो है, बोट बना के क्या करेंगे हम। तो ये हमारे विंग्स बन गए क्रो के, और ये जो ऊपर ट्रायंगल बचा है ये डबल है, पेपर फोल्ड किया था, पेपर डबल है। अब बीक बनानी है मुझे, तो बीक बनाने के लिए इसको सेपरेट कर दूंगा। अब पेपर से पेपर को अलग करना है, कोई मुश्किल काम तो नहीं है। सेपरेट करने के बाद फ्रंट वाले पोर्शन को नीचे, प्रीज उसकी एज इट इज रखी, उसको नीचे की तरफ फोल्ड कर दिया। अब मेरे पास दो ट्रायंगल आ गए, दो विंग्स आ गए। इसको फोल्ड यहाँ तक फोल्ड किया तो ये अपर बीक बन गई, सेम डायरेक्शन में नीचे वाली को, दोनों की डायरेक्शन सेम रखनी है, राइट लेफ्ट जिस भी साइड में करो दोनों को सेम साइड करना है। दोबारा देख लीजिए, ये दो ट्रायंगल मिलने के बाद हमने इसको डबल किया, सेम डायरेक्शन में इसको डबल किया। जब इतना हो गया तो सारे को लेके बैक साइड में हमने इसको फोल्ड कर दिया, तो हमारा क्रो बन गया। ये बीक अभी इसकी मुड़ी हुई है, बीक को फ्रंट में ऐसे ओपन कर देंगे, तो ये हमारा एक शेप आ गई क्रो की। और इसका जो मूवमेंट है वो विंग्स के साथ जुड़ गया, विंग्स खुलेंगी तो बीक खुलेंगी, तो आसानी से ये टॉकिंग स्टेज पे आ गया कि डायलॉग बोलेगा तो फॉक्स को ऐसे बोल सकती है, ये ऐसे बोल देगा। दोनों का आंखें इसमें भी हम ऊपर की तरफ यहाँ बना सकते हैं इसकी, ये देखिए साइज। आप ओरिगेमी भी पेपर से भी बना सकते हैं, पहले से स्क्वायर है ये, और अगर वाइट पेपर से बनाना चाहें तो इसका स्क्वायर आपको करना पड़ेगा, तो वो आपकी चॉइस पे डिपेंड है।